इवरी मेदगड़ी निधि राणा जी छन जो कि फेमस सिंगर छन उत्तराखंड की और बेसिकली जॉन सारवड़ी छन, लेकिन गढ़वल हम्बुलना जग जगह अलग किस्म से टीरी माँ अलग पौड़ी माँ अलग, तो ये हर प्रकार की गढ़वली माँ बहुत बढ़िया ढंग से गाना छन। एक अलावा कुमाऊनी जौनसारी तो उनकी मातृभाषा छ, वे मत ही गाना छन। तो आवा यू से बातचीत करना, तो स्वागत चीजा उत्तराखंड माँ हमारे प्रयास रन की जो भी उदयमान लोग छन, चाहे वो गायकी माँ छन या और भी प्रोफेशन में छन, तो उनते मंच देना। तो आप नो भी बहुत लंबा समय से हम सुनना छा, तो कन के ये मतलब जो गायकी का क्षेत्र में कन के हैं आप? अच्छा जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और नौ तो खैर कुछ नहीं, थोड़ा बहुत शौक छे हमारो, आई मीन यक देर पढ़ाई करी छे, तम कोचिंग जाना छे, तो वो माँ एक नौन थे प्रदीप, वो को भैजी गान थे, तब वे अपना भैजी दगड़ा मिलाई, जॉन सार को बहुत अच्छा चर्चित गायक छे से मिले जी, उनका दगड़ी में ये स्टूडियो में जो हमारा संजय राणा भैजी छे, उनके स्टूडियो में पहली बार आई और वहीं का दगड़ी में यख गीत गाई, और बस यही छे और तो कुछ नहीं। घर बिटिन माँ जी थे हमारे बहुत पहली रवाई से छे हम, तब वो गान थे महेंद्र चौहान जी सिंगर थे रवाई का, बहुत बड़ा सिंगर छे वो भी, उनका दगड़ी गान थे, तो थोड़ा गुण माँ जी का जो छे वो मंगाया छे। और बात बाकी मेरी स्टार्टिंग जो छे शुरुआत छे वो यख बिटिन ये स्टूडियो बिटिन छे। ये जो मैंने आपको जो सबसे ज्यादा पॉपुलर गानों सुनी वो जॉन सारी मचो जो शुरुआती दौर में यूट्यूब माँ देखी और फेसबुक और जगह जगह भी देखी, तो वो थोड़ा सा गानों के बारे में थोड़ा बताया भी दिया, थोड़ा सा गुण बनाया जी। जो मेरे सबसे पहले गीत है वो सनी दयाल दगड़ी आए छे, और बहुत सारा गीत छे मेरे जॉन सारी माँ तो आया छे बहुत पहली, पर जो सब पहले गीत छे वो थे बिसरी अपना रीति रिवाज, मतलब जन की हमारा रीति रिवाज छे पुराना रीति रिवाज वो हम भूलने लग्या छे, तो वो एक बारह में एक गीत छे, तो वो दिल एंड में आप सभी सुने दे जॉन सारी में चाहो गीत। बिसरे अपने रीति रिवाज, बिसरे अपने रीति रिवाज, बिसरी गाँव की छानी, बिसरो अपनो गाँव समाज, बिसर ना ना नानी। कोई गाना हो जो कि बहुत ज्यादा पसंद हो आपको, चाहे वो खुद हो चाहे क्या और भी हो, तरह वे की दूचा लाइन हिजी मैंने लुक माँ सुनी रहा देहरादून, वो जो संगीत वो था गीतकार अरविंद बिस्ट है, बहुत ही अच्छा गीत लिखी, और वो गीत जो सब थे बहुत पसंद आई, चाहे हमारा भारत देश में हो और तो और विदेश में भी वो गीत बहुत पसंद हुई और बहुत लोगों ने तारीफ भी करी, तो वही की मैं दो लाइन आप सभी सुनाना चाहूँ। और एक वो गीत है मैता की घुघुती, वो हमारा जो राइटर छा होता है सनी चंद जी, उन्होंने लिखे थे, बहुत सुंदर गीत है, वो की भी मैं दो लाइन सुनाना चाहूँ, वो बहुत अच्छा फेमस हुई गीत। मेरे मायते की घुघुती किले पासे ते दूरे, क्या संदेश माई बुबा को बैठी जा धोरे, मेरे मायते की घुघुती किले पासे ते दूरे, क्या संदेश माई बुबा को बैठी जा धोरे। यू भी गीचे बहुत पसंद आई, भी बहुत सुंदर थोड़ा हम एक स्टूडियो में जो राणा जी की स्टूडियो से जग बड़ी निधि जी ने अपनो कैरियर शुरू करी, उनसे भी थोड़ा सा बातचीत कर ला, क्योंकि उनकी जो प्रयास छ उनको पिछने बड़ी उनको भी हैंड से कखी न कखी उनका जो डेवलपमेंट निधि जी को गायकी कम हुए, तो थोड़ा सा उनसे बात कर ला। राणा जी थोड़ा सा अपनो परिचय दिया, कब बड़ी स्टूडियो दे दो राणा साहब। नमस्कार और सबसे पहले मैं स्वागत कर दो जागो उत्तराखंड को, आज स्टूडियो में आया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और स्टूडियो की शुरुआत खैर 2008 में हुई थी, और चलते चलते लोगों को प्यार भी नहीं मिलते रहे, और तब जाकर आज सभी जानते साज स्टूडियो बहुत सुरीली सिंगर,
और जब शुरू शुरू में बड़ी घबराई थे और मैं डांटी भी थोड़ा बेसुरी सी भी थे, मैं डांटी भी तो बोले थे भाई सर वहाँ संजय सर जो हैं बड़े स्टिक हैं ये करके वो करके, और आज ताकि बदौलत बहुत अच्छे लोग उत्तराखंड को प्यार देना है और निधि राणा जी बहुत अच्छा अच्छा वहाँ लगे बहुत सुरी दिखाई पीछे। निधि जी आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया में, यूट्यूब में काफी लोग लाइक करना आते हैं, जी मैसेज तो कुछ नहीं, बस यही मैं बोलना चाहती हूँ कि जो मैं आज जो छू आप लोगों का प्यार की वजह से छू, आप लोगों के सहयोग की वजह से छू, और आप लोगों को जो इतना प्यार और सपोर्ट मैं तो मिल दू वही का बदौलत मैं आज निधि राणा छू जो लोग जाना तो बोला मैं थे, और फैन फॉलोइंग थोड़ा ठीक ठाक छे। और मैसेज तो यू छे कि मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँ, निवेदन भी कर दू, हम अपना गीतों के माध्यम से अपना संस्कृति बचाना चाहिए और तम कुछ कर ही नहीं सकता, पर जो हमारा गीत छे वो जो हमारा अपने संस्कृति का जो वास्ता जो प्रेम आंदू जो हमारो कल्चर छे वो ही बचाना का वास्ता हम गीत ही गा सकता, और आप लोगों से भी निवेदन हाँ मैं तो जदगा हो लू मैं अपने संस्कृति वास्ता समर्पित छो वही तो अपना लू, और आप लोगों से भी निवेदन छे कि आप भी अपनी संस्कृति का बिसरी ना, बोली भाषा जो भी छ हमारा बिसरी ना, अपनो पहनावा अपनो जो हमारो रीति रिवाज छ वही तो बिसरी ना वही तो अपनाया, और अपना जो हमारा उत्तराखंड चौवे का वास्ता आप लोग भी संघर्षशील रहा, अपना संस्कृति को बचाने का वास्ता आप लोग भी संघर्षशील रहा, और हम ते जो भी बोलो हम भी अपना संस्कृति का बचाने का वास्ता प्रयत्न कर ला। हम और भी लंबी बातचीत यूं नगड़ी कर सकता था, पर फिलहाल ही जो हमारी भेंटवार्ता है फिलहाल ईद गई थी, अब मैं फिर मौका मिलू फिर बातचीत कर ला। जागो उत्तराखंड का वास्ता आशुतोष नेगी।